हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू वर्टिकल रॉड। ओके, यहाँ पर हम डायरेक्टली जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर पहले पॉइंट मास के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। पर यहाँ पर हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी को हमको रिजॉल्व करना होता है एक्स डायरेक्शन में अलग और वाई डायरेक्शन में अलग। यहाँ पर हम इसे वर्टिकल रॉड कह रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो यहाँ पर ये जो रॉड हमको दे रखा है इसका मास कैपिटल एम है और लेंथ कैपिटल एल है, ऐसा गिवन है। पर हम यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। हम रॉड के लीनियर मास डेंसिटी की बात करेंगे और उसी के टर्म में फार्मूला डिराइव करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या? मास पर यूनिट लेंथ। क्या मतलब होता है? मास पर यूनिट लेंथ। ओके, और इसको मेज़र कैसे करेंगे? मेज़र करेंगे केजी पर मीटर में, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकली आपको यहाँ पर इस मास पर यूनिट लेंथ को हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और केजी पर मीटर में हम इसे मेज़र करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब कभी इसका वैल्यू गिवन होगा तो हम यूनिट से पहचान सकते हैं कि केजी पर मीटर मतलब कि ये लीनियर मास डेंसिटी म्यू गिवन है। और इसे इसका फार्मूला होगा टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ एल, है ना। तो इसे हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इस रॉड के कारण इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो इसके पैरामीटर हम कैसे असाइन करेंगे? ये जो अपर पॉइंट है ए, है ना, इसको अगर हम इस पॉइंट से कनेक्ट करें, ये पॉइंट से हमने कनेक्ट किया तो ये वाला एंगल हम अल्फ़ा कंसिडर करते हैं। और अगर ये जो लोएस्ट पॉइंट है बी, इस पॉइंट से हमने अगर इसे कनेक्ट किया तो ये एंगल हो जाएगा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा दो एंगल हैं हमारे पास में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है और म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, इसी के टर्म में हमको फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा हम समझ गए। अब अगर हम इसे रब कर देते हैं अभी, है ना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा हम समझ गए हैं क्या चीज़ है, है ना। अब अगर हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हमको इस पर एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इस पर हमने एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर किया है और वो इस मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट है जहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी मेज़र कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से वाई डिस्टेंस पर और इसका जो लेंथ है वो डी वाई है, है ना। जो डिफरेंशियल पार्ट है उसका लेंथ कितना है? डी वाई। और वाई डिस्टेंस पर एक डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर किया और इस डिफरेंशियल पार्ट के कारण हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की। हमको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है? अट्रैक्टिव नेचर की होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन डी आई ऐसा कुछ होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये कोई रैंडम एंगल हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं और ये उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं, ओके, वो होगा डी आई कॉस थीटा, ओके। और वर्टिकल कंपोनेंट होगा हमारे पास में, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये होगा डी आई वाई और इसे हम लिखेंगे डी आई साइन थीटा, है ना, क्योंकि एक्स कंपोनेंट थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर साइन थीटा हम ले लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डी आई कैलकुलेट करेंगे कि ये डी आई कितना होगा। तो डी आई इज इक्वल टू होगा हमारे पास में जी इंटू डी एम, है ना, डिवाइडेड बाई वहाँ से डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमने आर कंसिडर किया और आर का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? आर का वैल्यू होगा यहाँ पर रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, यही होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर आना है। यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, तो ये एक पॉइंट मास है इतना इतना और इसके कारण हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डी आई कैलकुलेट किया, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। तो अगर हम यहाँ पर अब डी एम का वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितना होगा? वो होगा मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज म्यू इंटू डी वाई, होगा ना ऐसा, म्यू इंटू डी वाई। अब आगे हम चलते हैं यहाँ पर, तो डी आई इज इक्वल टू जी, है ना, इंटू डी एम। डी एम का वैल्यू कितना है? म्यू इंटू डी वाई
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक्स कंपोनेंट निकालेंगे जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखना है कि हमारे पास में दोनों कंपोनेंट की कुछ वैल्यू आएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की भी वैल्यू होगी और वर्टिकल कंपोनेंट की भी वैल्यू होगी। वो डिपेंड करेगा अल्फ़ा और बीटा पर। अल्फ़ा बीटा क्या थे, ए पॉइंट का एंगल और बी पॉइंट का एंगल। तो यहाँ पर अगर हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करें तो वो कितना होगा, वो होगा डी आई कॉस थीटा, है ना। तो डी आई का वैल्यू हम रख देंगे जी इंटू म्यू इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा। अब यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू लेंगे इसी ट्राइंगल से। ये ट्राइंगल जो दिख रहा ना, जिसका हाइट जो है वो है वाई, बेस जो है डी और हाइपोटेनियस है आर। तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालें, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस दैट इज डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस दैट इज रूट, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये आया हमारे पास। अब अगर इसे हम थोड़ा सा अरेंज करें तो डी आई एक्स अब हमको मिलेगा जी इंटू म्यू इंटू डी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर रेस्ट पावर वन बाई टू, तो इसका पावर वन और इसका पावर वन बाई टू अल्टीमेट थ्री बाई टू इंटू डी वाई इंटू डी वाई। इसको हमको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि इसे वाई के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो हमने हमारी स्क्रीन को क्लीन कर लिया है वापस से, और अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे डी आई एक्स, है ना, और इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी इंटू म्यू इंटू डी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट पावर थ्री बाई टू इंटू डी वाई, है ना, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी या बी से ए तक, है ना, इंटीग्रेट करना है हमको। तो यहाँ पर हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन का यूज़ करेंगे। आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं इसलिए ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको टिपिकल लगेगा, पर जब आप इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे, y is equal to d tan theta, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल में tan theta का वैल्यू निकालें, है ना, यहाँ पर tan theta का वैल्यू निकाल, लिखो tan theta is equal to, तो y divided by d होगा ना, तो और dy अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये d as it is और tan theta का डिफ्रेंशिएशन sec square theta हो जाएगा और theta का फिर से d theta हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जब हम सारा वैल्यू पुट करेंगे तो ये ix, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैंसिल हुआ, आई एक्स मिला, इज इक्वल टू जी कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी वाई का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, डी वाई का वैल्यू कितना हो गया, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये जो डिनोमीटर में हमको दिख रहा है डी स्क्वायर, और वाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे, डी टेन थीटा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा रेस्ट पावर थ्री बाई टू। ओके, इंटीग्रेशन बड़ा ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर अगर हम इस डी स्क्वायर को कॉमन ले तो मिलेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो जो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ये जी कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है ना, ये ऊपर का डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा डी क्यूब सेक क्यूब थीटा, है ना, ये ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हमको मिला है, और डी स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और इसका पावर कितना था, इसका पावर थ्री बाई टू था, तो ये बाई टू यहाँ पर स्क्वायर को कैंसिल करेगा और ये क्यूब बना देगा, है ना, तो ये एक्सप्रेशन आया। यहाँ पर अगर हम और ध्यान से देखेंगे तो ये जो डी स्क्वायर है, है ना, ये डी स्क्वायर है, यहाँ पे डी क्यूब को कैंसिल करेगा तो केवल डी बचेगा हमारे पास में। इसे हम रब कर लेते हैं क्योंकि ये आप लिख चुके होंगे, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके सारे कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं।
आगे हम लिखेंगे आई एक्स इक्वल टू जी म्यू डिवाइडेड बाई डी, है ना, इंटीग्रेशन, ऊपर sec स्क्वायर थीटा है, नीचे sec क्यूब थीटा है, मतलब 1 बाई sec थीटा बचेगा, और अल्टीमेट उसे हम लिखेंगे cos थीटा इंटू डी थीटा, है ना। और इंटीग्रेशन का लिमिट अब चेंज हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू था माइनस बीटा और यहाँ पर थीटा का वैल्यू है प्लस अल्फा, है ना, क्योंकि थीटा अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो ये हमने यहाँ पर माइनस बीटा टू अल्फा इंटीग्रेट किया, और आपको ये पता है कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा होता, तो हम यहाँ लिख देंगे जी इंटू म्यू डिवाइडेड बाय डी, सॉरी कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर माइनस बीटा टू अल्फा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो अल्टीमेट हमको क्या मिल जाएगा, आई एक्स इक्वल टू आई एक्स एक्स कंपोनेंट वो होगा जी इंटू म्यू डिवाइडेड बाय डी साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, तो ये प्लस बीटा हो जाएगा। ओके, ये थोड़े से मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पर साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, तो वो प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक्स कंपोनेंट आया हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड का, है ना। ऐसे ही अगर हम वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो वाई कंपोनेंट हमको मिलेगा जी इंटू म्यू डिवाइडेड बाय डी इन द ब्रेकेट कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, है ना। थोड़ा सा इंटीग्रेशन में चेंज आएगा। अगर ये वाई कंपोनेंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप बाकायदा हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम वाई कंपोनेंट के लिए भी आपके लिए वीडियो बनाकर भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।